स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कवितावली से लिए गए छंद जो पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं। आज 20वां छंद रानी में जानी अजानी महाकवि पाहन होते कठोर हियो हैं, राज हु काज अकाज न जानियो कयो तिए को जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से उद्धृत हैं। राम सीता लक्ष्मण को वनवास मिलता है, वन मार्ग में वे जाते हैं तो वन में उनको ग्राम वधुएं देख करके उन पर मोहित होती हैं, रोमांचित होती हैं, दुखी भी होती हैं कि ये कोमल शरीर वाले इस वन मार्ग में कैसे जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। तब ग्राम वधुएं आपस में बातचीत करती हैं और जो दुख प्रकट कर रही हैं उसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है। तुलसीदास कह रहे हैं रानी में जाने अजानी महा, ग्राम वधु कहने लगी राम लक्ष्मण और सीता को वन मार्ग में जाते हुए देख करके अनुमान लगाती हैं कि ये तो राजा के पुत्र हैं, पुत्र और वधु के साथ जा रहे हैं, इस मार्ग के योग्य नहीं हैं, और दुखी होकर के जो प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं तो ग्राम वधु यहाँ कह रही हैं कि रानी में जानी अजानी महा, रानी को मैं जान गई हूँ अजानी महा, महान अज्ञानी है, पवि पान पवि यानी कठोर इंद्र का जो अस्त्र हैं वज्र पवि पाहन यानी पत्थर हूँ से भी कठोर हियो यानी हृदय, तो ये रानी केकई के लिए, क्योंकि केकई ने ही दशरथ से वर मांगा और राम को वनवास दिया, दशरथ ने केकई के कहने पर उनको वनवास दे दिया, इसीलिए केकई के बारे में ही कथन है ग्राम वधु का कि रानी केकई को मैं जान गई हूँ कि वह बहुत ही अज्ञानी है, मुझे ग्राम वधु कह रही है कि मुझे तो वह रानी केकई बहुत ही अज्ञानी लगती हैं, महाअज्ञानी हैं, उनका हृदय इंद्र के जो वज्र हैं इंद्र का वज्र उससे भी और पाहन यानी पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हैं उस केकई का हृदय, और राज हूँ काज अकाज न जाने, और राजा ने भी काज और अकाज नहीं जाना, क्या कार्य हैं और क्या नहीं है ये उन्होंने विचार नहीं किया, यानी राजा दशरथ भी मुझे कोई विवेकी नहीं लगे क्योंकि उन्होंने कार्य और अकार्य का निर्णय ही नहीं लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में उन्होंने नहीं जाना, कयो तिए को और अपनी तिए यानी स्त्री अपनी पत्नी की कहा अनुसार उन्होंने कर दिया, जिन कान की उनकी पत्नी केकई ने जो उनको कहा वनवास के लिए वो उन्होंने कर भी दिया यानी उनको वनवास दे दिया। तो यहाँ रानी केकई भी अज्ञानी हैं और राजा दशरथ भी काज अकाज को न जानने वाले अविवेकी लगते हैं ऐसा ग्राम वधु कहती, ऐसी मनोहर मूर्ति ये लोग तो इतने सुंदर हैं इतनी मनोहर मूर्ति वाले राम लक्ष्मण सीता मनोहर मूर्ति हैं, मन को हरने वाले हैं, इतने सुंदर मूर्त हैं ये कि बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो, इनसे बिछुड़ करके इनके प्रिय लोग कैसे जिएंगे, इनसे बिछड़ करके इनके जो प्रिय लोग हैं वो कैसे जिएंगे,
इनके बिगर कैसे जी पाएंगे, आखिन में सखी राखी भी जो। तो ग्राम वधु कह रही कि हे सखी, ये लोग तो आँखों में रखने योग्य हैं, आखिन में राखी भी जो आँखों में बसाने के योग्य हैं, इन्हें किमी के वनवास थे, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है, किमी के वनवास थे, इन्हें वनवास किस लिए दिया दे दिया, ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं, इतने प्रिय मूरत हैं, इनको वनवास क्यों दिया गया है, वनवास जैसा कष्ट इनको क्यों दिया गया, ऐसा ग्राम वधु कहती हैं। यानी ग्राम वधु की सहानुभूति इसमें प्रकट हुई, तुलसीदास की भावुकता सहृदयता इसमें दिखाई देती है। अनुप्रासमक आक्षेप अलंकार सवेय छंद की गति अति उचित है। धन्यवाद।